तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के संबंध में जारी शासन आदेश को लेकर, जहां से आप सभी को बड़ी अपडेट देखने के लिए मिलेगी। चाहे अगर बात की जाए बीएड वाले अभ्यर्थी जो कि लगातार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों के लिए भी एक बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डाउनलोड चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर पहले से ही चयन बोर्ड के माध्यम से 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बहुत कम है, क्या उनका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन उन सभी के लिए एक और खुशखबरी यहाँ से देखने के लिए मिली है। ये जो शासन आदेश जारी किया गया है वो टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी साथ में बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे एक और नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन की तैयारियाँ वो शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए शिक्षा निदेशक शिक्षा सामान्य प्रथम अनुभाग के माध्यम से जारी किया जाता है। नीचे लिखा हुआ है जिला विद्यालय निरीक्षकों के बारे में, तारीख पड़ी हुई है 28 अक्टूबर 2022। ऊपर लिखा हुआ है कि ये मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की संस्था प्रधान प्रवक्ता सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी अनुभाग के पदों के विवरण के बारे में यहाँ से जो जानकारी मांगी गई है, मतलब कि प्रवक्ता का मतलब होता है पीजीटी, सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए तो वो आप जानते हैं असिस्टेंट टीचर जो जिसको आप टीजीटी के नाम से जानते हैं। सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी अनुभाग के बारे में पदों की संख्या उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है, जिसको लेकर नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में अनुरोध किया जाता है कि आपके जनपद में स्थित मान्यता प्राप्त शासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों की संस्था प्रधान प्रवक्ता सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी अनुभाग में सज्जित और कार्यरत पदों के बारे में जानकारी दी जाए, जो प्रारूप नीचे संग्रहण किया गया है। इसके अलावा नीचे ये भी देखने के लिए मिलेगा, यह प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता से संबंधित बिंदुओं से यहाँ पे अतः आप सभी को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करते हुए निर्धारित समय अवधि के भीतर सुस्पष्ट सूचना संकलन प्रारूप के अंदर आप सभी को भेजनी होगी। यहाँ पे आप सभी के सामने ये प्रारूप देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। अब जो रिक्त पदों का डाटा देना होगा वो कैसे देना है, जनपदवार, मान्यता प्राप्त विद्यालय का नाम, इसके अलावा सज्जित पद, कार्य करने वाले अध्यापकों का पद, इसके अलावा कितने पद यहाँ पे खाली हैं, इसका डाटा दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि खाली पदों की जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है सीधी भर्ती पदोन्नति, सीधी भर्ती पदोन्नति, चाहे वो प्रवक्ता की बात की जाए या फिर सहायक अध्यापक की। यहाँ पे आप सभी के सामने प्रधानाचार्य देखने के लिए मिलेगा, प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलेंगे, इसके अलावा सहायक अध्यापक भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर संबंध प्राइमरी अनुभाग के बारे में भी जानकारी मांगी गई है कि अगर इसके अंदर भी जो पद हैं वो खाली हैं तो उसके भी डाटा यहाँ से दिया जाए। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाते हैं चयन बोर्ड के माध्यम से। अब चयन बोर्ड के माध्यम से एक और नई भर्ती के विज्ञापन की तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी संबंध प्राइमरी विद्यालयों के अंदर, जहां पर टीजीटी पीजीटी की एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है, जैसे ही रिक्त पदों का डाटा मिलता है इनका सत्यापन होगा, सत्यापन के बाद में इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर आप जानते हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं टीजीटी के अंदर, अगर बात की जाए पीजीटी के अंदर तो वहाँ पे आप सभी को जो आपकी योग्यताएं होती हैं आपके सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए मिलती हैं, और अभी तक यूपी में बीएड अनिवार्य नहीं किया गया है। पदों की संख्या कितनी होगी ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत जल्द यहाँ से चयन बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती को लेकर एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा, अगर सदस्य जल्दी आ जाते हैं तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। खासतौर पे ऐसे टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थी जो हाल ही में परीक्षा देने वाले हैं, आपके सामने एक और नई भर्ती आने वाली है, और साथ ही बीएड अभ्यर्थी अगर आपने इसमें आवेदन नहीं किया था तो एक और नई भर्ती विज्ञापन आप सभी के सामने जल्द जारी होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।